आजकल इंडिया में वेस्टर्न टॉयलेट्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। पहले हम सिर्फ बड़े बड़े मॉल्स में या फिर होटल्स में ही वेस्टर्न टॉयलेट्स देखते थे, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट सारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट्स तो होते ही है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करने से आपको कैंसर भी हो सकता है? जी हाँ, चलो तो देखते हैं वो कैसे। इंडियंस वेस्टर्न कल्चर से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न लाइफ इतनी ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं कि शायद हम हमारे ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज को भी भूलते जा रहे हैं। आज बहुत से लोग वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठकर खुद को मानो मॉडर्न और अमीर समझने लगते हैं, और वहीं इंडियन टॉयलेट्स पर बैठना लोगों को चीप लगने लगा है। लेकिन दोस्तों, यही चीप टॉयलेट्स आपके बॉडी के लिए कितने हेल्पफुल है इसका आपको अंदाजा तक नहीं है। चलो तो एक साथ दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ एक बंदा वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहा है और यहाँ इंडियन। आप देख ही सकते हो कि दोनों के सिटिंग पोस्चर्स टोटली डिफरेंट है। वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठा हुआ बंदा नॉर्मली बैठा है, जैसे हम चेयर्स पर बैठते हैं, लेकिन इंडियन टॉयलेट पर बैठा हुआ बंदा कुछ इस तरह से बैठा है कि उसके पेट पर काफी प्रेशर आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रेशर की मदद से आपका पेट टोटली साफ हो जाता है। वही वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठे हुए आदमी का पेट टोटली साफ नहीं होगा, क्योंकि उसके पेट पर कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा। यूजुअली जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो वो मल हमारे पेट में कलेक्ट हो जाता है, और फिर इसी वजह से आपको कुछ सालों बाद कोलन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि आपके कोलन में से सारा वेस्ट बाहर नहीं आता, और फिर कॉन्स्टिपेशन और इससे कई फैक्टर्स की वजह से आपको कोलन कैंसर हो सकता है। वहीं अगर मैं इंडियन टॉयलेट्स की बात करूं, तो ये पोजीशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है, और तो और ये स्क्वाट पोजीशन अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो पाता है। हम जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, तब हमारा पोजीशन सेम ऐसे ही होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोस्चर हमें नेचुरली ही आ जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठते हो, तो आपकी बॉडी टॉयलेट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है। वही ये चीज इंडियन टॉयलेट्स के साथ नहीं होता। अब देखकर तो आपको पता चल ही रहा है। तो दोस्तों, यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट्स में जर्म्स या फिर बैक्टीरिया आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारे लोग उस टॉयलेट को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये खतरा इंडियन टॉयलेट्स यूज करने से टल सकता है। अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि इंडियन टॉयलेट्स में बहुत सारा वाटर वेस्टेज हो जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन टॉयलेट्स के कंपैरेटिव वेस्टर्न टॉयलेट्स में कई ज्यादा पानी यूज होता है। साथ ही इन वेस्टर्न टॉयलेट्स में तो टिश्यू पेपर भी यूज होता है, यानी फिर से वेस्टेज ऑफ वाटर और एनवायरमेंट को भी नुकसान। इससे अच्छा तो इंडियन टॉयलेट से यूज कर लो ना। वैसे ही बच्चों की अगर बात करें, तो इंडियन टॉयलेट्स जमीन से जुड़े होते हैं, तो बच्चों के लिए इन्हें यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, और वही वेस्टर्न टॉयलेट्स में बच्चे अंदर गिरने के भी चांसेस होते हैं। उसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी डॉक्टर्स इंडियन टॉयलेट्स ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इंडियन टॉयलेट सीट यूज करने से यूटेरस पर प्रेशर नहीं आता और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन ओर देखा जाए तो इंडियन टॉयलेट्स हमेशा से ही वेस्टर्न टॉयलेट से बेहतर रहे थे और बेहतर रहेंगे। लेकिन फिर भी आप पर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है।